हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये ना अभी पत्ते तोड़ रहे हैं तो बहुत सारे हो गए थे, तो हमने सोचे कि वड़ी बना लेते हैं आज। मम्मी भी है, नहीं तो मुझे ना आलस आता है। छोटे छोटे पत्ते रहते हैं ना, इसलिए आलस आता है। बड़े बड़े रहते हैं तो बन जाती फटाफट से। तो मम्मी बोल रही है कि मैं बना देती हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये काट दे रहे हैं, अभी सुबह सुबह ही है, अभी 9:30 बजा है लगभग लगभग। और देखो इधर क्या हो रहा है, ये उठते से टीवी देखने लगे हैं। तो लाइट ऑफ थी, मैंने ऑन की है, और ये देखो कार्टून चालू है इधर। और मम्मी बना रही है मठा की कढ़ी, और ये बड़ी के लिए भिंगा रही थी। तो मठा रहता है ना जो मही, उसकी कढ़ी बना रही है। और बड़ी की रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की हुई है, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। और बस यहाँ नहा धो के मैं काव्या के लिए बना रही हूँ पराठे, क्योंकि हमारे घर में सबसे पहले काव्या को भूख लगती है। हम सब तो सहन कर लेंगे आधा एक घंटा, पर वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाती, उसको बहुत तेज़ भूख लगती है। और उसको शक्कर वाले मीठे पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए ना बहुत जब जल्दी में रहती हूँ तो यही पराठे बना देती हूँ, क्योंकि जल्दी भी बन जाते हैं और आटा तो तैयार रहता ही है रोटी बनाने के लिए। तो दादू भी खा लेगा, दोनों भाई बहन के लिए हो जाएगा। और हमारे लिए तो बनी है कढ़ी बड़ी, तो कढ़ी में तड़का देना है, और साथ में बन रहा है तुरई होती है ना, नेनवा ननवा बोलते हैं जिसको, उसका भरता बनने वाला है। तो वो अभी मैंने उसको चढ़ाई नहीं हूँ, काट वाट के सब रखती हूँ, पर मैंने सोची कि पहले पराठे वराठे इन लोगों को खिला पिला कर दूँ, उसके बाद फिर सब चढ़ाऊँ खाना। तो मठा की कढ़ी है, मम्मी ने फ्राई नहीं की है, बस उसको उबाल ली है, तो अभी मुझे उसे तड़का देना है और बस सब्ज़ी बनानी है। और अभी मैं काव्या को दे देती हूँ पहले भैया, क्योंकि वो भूख के मारे तड़प रही है। क्या कर रही हो काव्या? इधर देखो, हेलो से हेलो। और तुरई के भरते को मैं फ्राई कर रही हूँ, तो यहाँ पीस ली हूँ, तो इसके साथ मैंने लहसुन और धनिया पीसा हुआ है, और बस सिंपल सा फ्राई कर देंगे और हमारा खाना तैयार है। बहुत ही ज़्यादा इधर धूप है आज, तो अभी जस्ट हमारा खाना वाना हुआ है और मैं देखने आई कि कपड़े सूख गए क्या, पर धूप इतनी तेज़ है ना कि मेरा बाहर बालकनी में पैर रखने का मन नहीं कर रहा है, आज चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। और आज ना हम ये क्या बोलते हैं भाई, गर्मी भी बहुत है, मच्छर नीचे बहुत ज़्यादा अभी परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग ना मच्छर से बचने के लिए पलंग बनाने वाले हैं एक, तो वो रखा हुआ है हमारे पास उसका पूरा सेट। तो अभी देखते हैं शाम के टाइम, थोड़ा सा अभी तो खाना पीना हुआ है तो रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि खाना वाना हो जाता है ना उसके बाद तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो बनाएंगे शाम को, इसके पापा को मैं बोली थी तो वो बोले हैं कि कर लेते हैं, तो चलो थोड़ा रेस्ट कर लें, बाकी मेरे सारे काम आज फिनिश हो गए हैं। मम्मी है तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। चलो फिर काव्या भी आ गई है, काव्या चलो चलो अंदर, चलो चलो अंदर, चलो 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 चलो, देखो देखो मैं आऊँगी ना तो मेरे पीछे, दरवाज़ा ही बंद करेंगे अभी, कपड़े थोड़ी देर बाद लाएंगे ना। ये क्या बांधा है बेटा,
बता दो हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। चलो थोड़ी देर सो जाओ, चलो चलो सो जाओ थोड़ी देर। चलो दोनों सैनिटाइजर का खेल खेल रहे हैं, देख लो, रखो सैनिटाइजर रखो। अब मैं उसको बंद करके रखो बेटी। चलो पापा के पास चले। और ये देखो हमारी पलंग निकल गई है और साथ में निवार भी निकली है, जो गूंथते हैं ना इसको निवार बोलते हैं। तो ये जो इसके जितने भी पार्ट हैं ना सब खुल के अलग हो जाते हैं, फिर जब ज़रूरत नहीं रहती तो हम खोल देते हैं। और ये जो निवार है वाइट कलर की, ये हमारे सासू माँ की है, उनके शादी के टाइम दहेज की है, उनके मायके की। तो वहाँ पर भी ज़रूरत नहीं थी तो हम ले आए थे, और हमको भी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ना ये पाइप मिल गए तो इनने फिर बनवा लिए थे, तो कभी जैसे ज़रूरत पड़ी बाहर बैठना है तो इसीलिए। तो अभी मैंने सोची कि अभी धूप गर्मी भी बहुत है तो बाहर बालकनी में बैठने के भी काम आ जाएगी और सोने के भी काम आ जाएगी, क्योंकि मच्छर बहुत परेशान करते हैं। तो मम्मी लोग ये वाले रूम में सो जाएंगे और हम लोग बेडरूम में। तो दादू मम्मी के साथ सोता है ना तो एक पलंग पे हो नहीं पाते, मेन रीज़न यही है कि एक में हो नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग सोचे कि इसको बना लेते हैं। रखी रखी तो ख़राब हो ही रही है, तो यूज़ भी हो जाएगा और हर चीज़ का यूज़ करना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा ना कुछ अलग अलग करने का मन भी करता है मेरा, तो और क्या करें कुछ नया काम, तो बस यही काम निकाले हैं और बस इसको गूँथ रहे हैं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको गूँथने में इनकी हेल्प कर रही हूँ, नहीं तो ये गूँथ लेते हैं अकेले ही, फिर मैं टाइट करने लगती हूँ इसको, और बस ये हो जाएगी। और इधर दादू और काव्या भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि काव्या ने भी फर्स्ट टाइम देखी है, जब काव्या छोटी थी ना तभी हम लोग बनाए थे, फिर खोल के रख दिए थे। और ये देखो तैयार हो गई है, बिस्तर भी तैयार है। काव्या तो मस्त तैयार हो गई हीरोइन जैसे। कौन तैयार किया है मेरी काव्या को? आप। मैं? हाँ। मैं कौन हूँ? आप मम्मा। मैं काव्या को मम्मी कैसा लग रहा है तो आपको हटने की इच्छा नहीं हो रही है, बताओ? झूला जैसे कटिया इसीलिए दादू को भी अच्छा लगता है झूला जैसे करके ना, है ना दादू? दादू नहीं ना, नानी गिर जाएगी ना दादू, नानी गिर जाएंगे नहीं लड़ते ना, नहीं लड़ते काया, देखो ना दादा लड़ रहा है नानी से। अच्छा ये उसका फल मिल रहा है क्या नानी को? ये उसका फल मिल रहा है। काव्या दिन भर अपने मम्मी के, मेरी मम्मी के साथ मस्ती करती, दिखाओ काव्या इधर। पता है मम्मी आज कितनी तारीख है? पता नहीं, चश्मा तो मम्मी लगाई है, बोल रही चश्मा में तो नहीं बैठ। आज से एक साल पहले मैं मम्मी के यहाँ थी और हमारी आने की तैयारी हो रही थी, और पूरे करेक्ट एक साल बाद मम्मी हमारे घर है और जाने की तैयारी कर रही है ना मम्मी? तो हम लोग पिछले बार बहुत बुरी कंडीशन में फंस गए थे, और फिर वहाँ हम लोग को 2 महीना रहना पड़ा था नांदी में, और होली में गए थे होली बनाने, तो वहीं पे फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर हम लोग वहीं फंस गए मम्मी के पास। तो दिक्कत नहीं हुई, पर उस समय मम्मी कोरोना बहुत ज़्यादा था ना, कोरोना उतना नहीं था पर डर बहुत ज़्यादा था। हाँ, जैसे नया था ना, नया आया था, तो इतना लोग डर रहे थे यहाँ, हम तो अपने घर के गेट को तक नहीं छूते थे, इतना डर भर गया था। यहाँ तक कि सामने एक माताराम एक्सपायर हो गई तो हम लोग गेट के पास जाने से डर रहे थे, और अभी इस बार इतना बढ़ भी गया है, फिर भी उतना डर नहीं लगता ना मम्मी जैसा पिछले साल था। पिछले साल कई बार हाथ ही जाता, बाहर गए तो हाथ धो, फिर खाना खाए तो हाथ धो। कोई एक चम्मच को नीचे नहीं रखते थे, एक ग्लास को नीचे नहीं रखते थे, अगर वो पानी ले रहे हैं तो उसको धो फिर पानी लो, इतना हम लोग। और फिर क्या बोलते, इसके पापा भी जब हम लोग को फोन करते थे ना तो क्या बोलते थे, अगर मैं फोन नहीं उठा पाती थी तो बोलते थे फोन उठा ले, नहीं तो पता नहीं अब कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसा बोलते थे। और फिर क्या हुआ, हाँ, हम 21 तारीख को आने वाले थे और 21 को ही लॉकडाउन हो गया,
तो मैं होली करने गई थी अपने ससुराल, और मेरे साथ सास ससुर भी मेरे आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी के यहाँ ही रुक जाती हूँ। तो फिर जैसे ही हम लोग सोचे कि अब चलते हैं, तो 21 तारीख को ही निकलने वाले थे और 21 को ही लॉकडाउन हो गया 22 मार्च। हाँ, फिर उसके बाद हमने सोचे कि 2-3 दिन खुलेगा, तो नहीं खुला। फिर उसके बाद तो बिल्कुल बढ़ता ही गया। फिर लास्ट में बहुत मुश्किल से एक एक दिन कटे हमारे, डर लग रहा था इसीलिए ना मम्मी, नहीं तो नहीं कटते ऐसे तो रह जाते हैं, 2-4 महीना तो रह जाऊँ मैं मम्मी के यहाँ। फिर क्या हुआ कि फिर पास बनाना स्टार्ट हुआ, तो 3 तारीख से पास बन रहा था। फिर हम लोग ने इधर उधर परेशान हुए, नहीं बना। फिर आखिर में 6 तारीख को हमने पास के लिए अप्लाई करे तो बन गया। तो फिर हम लोग फाइनली 6 को निकले और 7 को यहाँ पहुँच गए। उसके बाद लगा कि चलो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो गए हैं और जो भी हैं सब साथ में हैं। और इस बार तो मैं वही डर के मारे कहीं गई ही नहीं, होली में गए फटाफट से भाग के आ गए। फिर अभी दादू गया था, दादू को बुला लिए, फिर मम्मी को भी बुला लिया। मम्मी को तो मैं भेजूंगी नहीं, जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता तब तक नहीं भेजती। अभी स्कूल की छुट्टी भी लग गई है, तो मम्मी जाके करेगी भी क्या, वहाँ पे स्कूल जाना नहीं है, और वहाँ रहो यहाँ रहो बराबर ही है। तो यहाँ दादू लोग को, काव्या लोग को हेल्प हो जाती है, उन लोग की नानी है, तो क्योंकि दादू काव्या भी अकेले पड़ गए हैं, ऊपर कितना रहेंगे बेचारे, तो वो भी अकेले हो जाते हैं। तो नानी खेलो तो नानी के साथ खेलते रहते हैं बेचारे। तो ऐसा रहा हमारा लॉकडाउन, बहुत मुश्किल से हमारे दिन बीते थे भैया लॉकडाउन के। एक एक दिन हमारे कटते नहीं थे, बड़े मुश्किल से कटते थे। तब तो काव्या और छोटी थी, है ना काव्या, हाय बोलो सबसे। तो मम्मी को तो दादू ने अपने पलंग से हटा दिया है, मम्मी के लिए बनाए हैं, तो मम्मी को हटा दिया। तो मम्मी अब दीवान में ही अपना बसेरा जमाएगी। तो चलो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं ऐड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना। बाय 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 बाय।